आप अपने आसपास ये गार्बेज हीप्स देखना पसंद करेंगे या फिर एक बहुत ही सुंदर, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट? ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम इन गार्बेज हीप्स को एक बहुत ही सुंदर किचन गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मिशन एक कदम कुदरत की ओर। आज हम पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। आप अपने आसपास के वातावरण, पेड़ पौधों पर फोकस कीजिए और सोचिए कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर और लैंड को एनरिच करते हैं, हमें बहुत ही सुंदर, सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम इस सुंदर पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो आज हम केवल गार्बेज की बात करेंगे, कूड़े कचरे की बात करेंगे, हार्ड वेस्ट की बात करेंगे जो डेली हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम 2019 की गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो दिल्ली में पर डे 8700 मैट्रिक टन गार्बेज पैदा होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो करीब करीब 1.5 लाख मैट्रिक टन गार्बेज, और दुनिया की अगर हम बात करें तो 3.5 मिलियन मैट्रिक टन गार्बेज हमें अपने सुंदर एनवायरनमेंट को गिफ्ट करते हैं। आपको लगता नहीं कि एक दिन ये दुनिया इस कूड़े के ढेर के नीचे ही समा जाएगी? क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? हाँ, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें तो अपने घर के हम किचन वेस्ट को प्रोसेस करके कुछ हद तक हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपना किचन वेस्ट, इसको कैटेगराइज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्लास्टिक की थैली, पन्नी, बोतल वगैरह हैं। दूसरी तरफ फ्रूट्स, वेजिटेबल का वेस्ट है। तो आप कोशिश करें कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, इसके यूज़ को आप रिड्यूस करिए, रीयूज़ करिए, रीसाइकिल के लिए आप इसको फिर कबाड़ में देंगे। किचन वेस्ट की कैसे प्रोसेस करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एक कंटेनर लेंगे, बकेट लें, पॉट लें, उसमें अपना किचन वेस्ट डालें और उसको थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दें। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाती हूँ, और फिर आप इसको ढक के रखेंगे ताकि इसके अंदर स्मेल ना आए। ये मेरा फोर्थ कंटेनर है और आप देख सकते हैं जो मैंने अपने किचन वेस्ट से ही बनाया है, कितना फर्टाइल है ये कंपोस्ट। और आप ये देखिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब कंटेनर भर जाए उसके 20 से 25 दिन के बाद ही आप इसको एज ए कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये प्लांट्स देख सकते हैं, इनमें मैंने यही कंपोस्ट यूज़ किया है और कभी मैंने कोई सीड परचेज नहीं किया। जो भी घर में वेजिटेबल्स आई उन्हीं के सीड्स को मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कैप्सिकम लगी हुई हैं, आप देखिए ये मैंगो, ये पपाया ट्री, ये ब्रिंजल, आप देख सकते हैं। आप इनको लगाइए और फिर जो मार्केट से आप परचेज करते हैं वेजिटेबल्स, आप इसके टेस्ट में, इसकी क्वालिटी में आप डिफरेंस देखिए, तो आप इसको ज़रूर करें। आप इसको किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट को आप सेल कर सकते हैं या आप अपना नर्सरी भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, हम अपने सुंदर वातावरण को कैसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और ये हमारा एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन सकता है। ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इसके साथ साथ मैंने कुछ मेडिसिनल प्लांट भी लगाए हैं, आप ये देखिएगा, लेमन ग्रास,
एलोवेरा है, इधर कड़ी पत्ता, तुलसी, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का मेरा जो मिशन है, जो मैसेज है, वो यही है कि आइए अपने एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें और सुंदर बनाएं इसको, और अपने लेवल पर हम कैसे गार्बेज को प्रोसेस करके हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आइए गार्बेज हीप्स को गोल्ड माइन में कन्वर्ट करें। इस तरह से आप देखेंगे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो फाइनली यही मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी कि आप इस मिशन को ज्वाइन करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोरा, फ्रॉम फन टू फोना। आइए मिलकर आगे बढ़ें एक कदम कुदरत की ओर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।